अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, चार दिन के बाद जो पांच स्टेट्स में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उसमें वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 तारीख को यूपी में पहली वोटिंग है, उसके बाद ये सिलसिला मार्च तक इंशाल्लाह चलेगा, पहले हफ्ते तक। अल्लाह ताला ने हर शख्स को जहन दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के हालात देख रहा हूँ, तो इस मौके पे मैंने चाहा कि अपने मुसलमान भाइयों से कुछ कहूँ। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि हर घर ना वक्त है ना इतनी हैसियत है कि हर घर जा सकूँ, मुसलमान से बात कर सकूँ। अल्लाह करे मेरा ये वीडियो हर मुसलमान के घर में पहुँच जाए। अमल करना न करना आपका काम है। तो जिस तरह से मुसलमानों में 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ है, बीजेपी ने जुल्म किया है, और संघ परिवार, आरएसएस, बदला, वो एक इतिहास लिखा जाएगा बीजेपी के जाने के बाद जुल्म और वहशत का। अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि हम इसको बीजेपी को सबक सिखाएं। तो वोट कैसे डालना है, क्या करना है, ये हमारे जहन में जो बात आई है वो हम आप लोगों के मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात करूँगा मैं बीजेपी की, जो बड़े दमखम से आई है और सुबह से शाम तक झूठ बोल रही है। यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने पहले कह दिया कि मुकाबला 80/20% है, यानी 80% हिंदू, 20% मुसलमान। तो अब ये बीजेपी ना मुसलमान का वोट चाहती है, और जानती भी कि मुसलमान वोट नहीं देंगे। अब उसमें कोई मुनाफिक मुर्तिद मुसलमान या स्टॉकहोम सिंड्रोम का मरीज मुसलमान वोट दे देता है तो उसको हम कुछ नहीं कहते। अब बीजेपी के तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं हम दूसरी पार्टियों की तरफ। सबसे पहले मुसलमान पार्टियों में है AIM असदुद्दीन अवैसी जी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जहां पे मुसलमान 30-40% हैं, 50% हैं, 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटिंग पे और रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें सारे मुसलमान मुत्तहिद होके और जो उनका भागीदारी मोर्चा है उसको वोट दें, अवैसी साहब को वोट दें। और जितने भी सीटें मुसलमानों की होंगी असेंबली में, उतने इंशाल्लाह हमारी आवाज़ बुलंद होगी। आज तक मुसलमान हर तरफ से पीछे हो गए हैं, चाहे दीन हो, दुनिया हो, हमारे हाथ से दीन गया तो दुनिया भी चली गई। किस तरह जिल्लत तो खारी है वो अगर बताने लगूंगा तो बहुत शाम हो जाएगी, दोपहर से रात हो जाएगी, उतना मैं नहीं बता सकता आपको। आपको मालूम है 2 साल पहले मथुरा में मॉब लिंचिंग हुई थी, एक मुसलमान को मारा गया था, पुलिस वाला घसीटते हुए उसकी बॉडी को ले गया था। सब कुछ देख के तो रूह कांप जाती है। कासगंज में एक अल्ताफ नाम के नौजवान को मारा थाने में ले जाके और कहा टोंटी से इसने खुदकशी कर ली। 2 फीट की टोंटी से कोई कैसे खुदकशी कर सकता है। बहरहाल अवैसी साहब जो हमारे लीडर हैं AIM के, हर मौके पे मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। अभी दिल्ली जाते हुए उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है, और सचिन हिंदू और शुभम नाम के 2 लोगों में। इसका मतलब बीजेपी डरी हुई है और हिंदू भी डरा हुआ है कि मुसलमान मुत्तहिद हो रहा है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ दे सकते हैं अवैसी साहब को मुसलमान, तो कम से कम 15-20-50 जितने भी हो सकते हैं वो भिजवाएँ असेंबली में, मुसलमान MLA जाएँ। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कोई बहुत अच्छी हमदर्द में नहीं समझता, तो लेकिन बीजेपी को टेंशन मुकाबला यही कर रही है बहुत से जगहों पे। तो जहां मुसलमान कम हैं या आपकी तादाद जो है इतनी नहीं है तो वहां समाजवादी पार्टी को वोट दें। बीजेपी से तो सभी अच्छे हैं, यानी बहुत मुसलमान के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन कम से कम सेकुलर तो हैं। बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र चाहती है और हिंदूज का बोलबाला कर रही है, RSS वालों का साथ देती है, RSS की एक पॉलिटिकल विंग है।
तो बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी को एकजुट होकर मुसलमान दें। उसके बाद आती है कांग्रेस, बहुत से मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस अपने गुनाहों अपनी गलतियों की वजह से आज इस हाल में पहुंची है। कांग्रेस की साजिश से बाबरी मस्जिद शहीद हुई और बीजेपी ने साजिश करके बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनवा रही है, बस यही फ़र्क है। तो बहरहाल कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, कहीं के मुसलमान अगर मुत्तहिद होते हैं तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। उसके बाद आती है बीएसपी, मायावती जी, हमारी बहन मायावती जी हैं जो है, ये बीजेपी में फौरन मिल जाएंगी। इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। मेरठ में इन्होंने कह दिया था कि जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं इनको वोट ना दो, बीजेपी को वोट दे दो। तो दो बार ये बीजेपी से मिल चुके हैं, मुसलमानों से इनकी कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ वोट चाहती हैं, और अगर ये इनको कुछ भी सीटें मिले तो बीजेपी से मुड़ सकती। उसके बाद आप पार्टी है, आप भी कहीं खड़ी हुई है। दिल्ली दंगों में आपका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा और अरविंद केजरीवाल जी ने तबलीगी जमात पे बहुत इल्ज़ाम लगाए, कहा मरकज़ गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिल्ली दंगों में किसी देखिए, हमारा सिर्फ हमारे साथ अल्लाह रसूल हैं, अल्लाह रसूल को हम पहले छोड़ चुके हैं। और ये वक्त ऐसा है कि मुसलमान जिसको भी वोट करें एक मुत्तहिद होकर वोट करें। और उसके अलावा जो है नमाज़ों में दुआएं करें कि अल्लाह ताला इन जालिमों का ख़ात्मा करे और अपने गुनाहों से तौबा करें। कुरान शरीफ में सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 से गालिबन कि ऐ नबी आप कह दीजिए अगर आप उनमें मौजूद हैं तो हम इनको अजाब नहीं देंगे, या वो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें ताकि इन जालिमों का ख़ात्मा हो। ये अल्लाह का अजाब है पूरे मुल्क पे, बीजेपी अल्लाह ताला इस अजाब को ख़त्म करे, बस यही कहो। और अल्लाह से दुआएं करें, जहाँ भी वोट करें मुत्तहिद होकर करें, आपस में मशवरा करें किसको देना है। और अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, फिर जो है मौका नहीं आता है 5 साल, आइंदा मौके आने। हम अगर मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट में और असेंबली में रहेंगे तो हमारी आवाज़ भी रहेगी, मुत्तहिद नहीं रहेंगे बिखरे रहेंगे तो इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। मुफ्ती अरबी एंड ड्रेस, इस्लामिक फैशन, अरबी दिकलात, मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफा, रमज़ान, ईद और दीगर तकरीबात के लिए उम्दा क्वालिटी के दिलकश खूबसूरत अरबी ड्रेसेस इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें मुफ्ती अरबी एंड ड्रेस, इब्राहिम पूरा, भोपाल, इंडिया। इस वीडियो के लिए तावन किया है अलखदम टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा, अभी कॉल करें। तकमीली तेल बिना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।